मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स को ट्रिक के ज़रिए ईजिली लर्न करेंगे। चाहे वे कितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड क्यों ना हो, आपको क्विकली ट्रिक के ज़रिए मैं जल्दी ही याद करवा दूँगी। और इतना ही नहीं, एंटोनियम्स, सिनोनियम एंड एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे वर्ड के। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है रुक रुक कर। अगर कोई भी काम कंटिन्यूसली नहीं किया जाता है, रुक रुक कर किया जाता है, कभी कभी किया जाता है, तो उसे हम इंटरमिटेंटली कहते हैं। सिनोनियम्स होंगे इरेगुलरली, इरेटिकली, स्पोरैडिकली, ओकेजनली। अब एंटोनियम्स होंगे कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली एंड इंसेंटली। अब देखिए एग्जाम्पल, बिकॉज द वेदर इज चेंजिंग इंटरमिटेंटली, 1 hour it's raining and the next hour it's bright and sunny। ठीक, देखिए जिससे आपको ये जल्दी से लर्न हो जाएगा। इंटरनेशनल बोर्ड में स्टडी इंटरमिटेंटली नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारा CBSE बोर्ड होता है ना, वैसे ही इंटरनेशनल बोर्ड भी होता है। उसमें पास होना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इंटरनेशनल बोर्ड में डिग्री लेने के लिए इंटरमिटेंटली अगर स्टडी करेंगे तो क्या हम पास हो पाएंगे? नहीं, फेल हो जाएंगे। तो हमें रुक रुक कर स्टडी नहीं करनी चाहिए इंटरनेशनल बोर्ड में, कंटिन्यूस करनी चाहिए। तो इंटरनेशनल बोर्ड से आप इंटरमिटेंटली को कोरिलेट करके इस ट्रिक के ज़रिए इजीली लर्न कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड वर्ड है ब्लू कॉलर जॉब। यह एक idiom है जिसका मीनिंग होता है शारीरिक श्रम वाली नौकरी। अगर कोई भी काम ऐसा है जिसमें बहुत फिजिकल फोर्स लगता है, हमारा बहुत फिजिकल काम करते हैं हम, बहुत श्रम वाली नौकरी होती है, परिश्रम करना पड़ता है, तो उसे हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। इसे एक तरह मुहावरे की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स होंगे ड्रग गैरी, ट्रेवल, लेबर एंड टॉयल। एंटोनियम्स होंगे वाइट कॉलर एंड मैनेजर। एग्जांपल देखिए, समटाइम्स यू मे हैव टू टेक अ ब्लू कॉलर जॉब इफ़ द इकोनॉमी इज डाउन एंड वाइट कॉलर जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड। ठीक, देखिए ब्लू कॉलर है इनकी क्योंकि इनकी जॉब ब्लू कॉलर जॉब है। यानी कि क्या है, ब्लू कॉलर है ना इनकी, देखिए, और इनकी जॉब भी क्या है, बहुत शारीरिक परिश्रम वाली है। तो ब्लू कॉलर है इनकी क्योंकि इनकी जॉब ब्लू कॉलर जॉब वाली है। तो ब्लू कॉलर से आप ब्लू कॉलर जॉब को इजीली, बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा वर्ड है इनेमोड। इनेमोड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मोहित में, प्रेम में बंधा हुआ। अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, तो उसे हम इनमोड कहते हैं। तो अब सिनोनिम्स देखिए, फैसिनेटेड, कैप्टिवेटेड, चार्म्ड एंड इनशेटेड। अब देखिए एंटोनियम्स, रेपल्सेड, एबोरेट एंड डिटेस्ट। एग्जाम्पल होगा, आई बिकेम कम्प्लीटली इनमोड ऑफ द सिटी एंड इट्स पीपल। ठीक, देखिए रेड ड्रेस में देख कर इनमोड हो जाते हैं। यानी कि क्या है, अगर कोई खूबसूरत सी हीरोइन या फिर कोई भी रेड ड्रेस में आ जाता है तो हम क्या होते हैं, बहुत मोहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो हमें। तो रेड ड्रेस में देखकर इनेमोड हो जाते हैं। इस ट्रिक के ज़रिए आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अब फोर्थ वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्वदेशी। अगर कोई भी चीज़ बाहर की है, हमारे देश में नहीं पैदा हुई है, ओरिजिन उसका हमारे देश में नहीं हुआ है, तो उसे हम इंडिजीनियस कहते हैं। अब सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स तो काफ़ी इजी हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, द माओरी आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक, देखिए कुछ जीनियस इंडिजीनियस भी हैं। आप APJ अब्दुल कलाम जी को ही देख लीजिए, कितने जीनियस पर्सन कहे जाते हैं। तो ये हमारे देश के तो नहीं थे, स्वदेशी थे, लेकिन कितने जीनियस भी थे। तो आप जीनियस से इंडिजीनियस को कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रिंगमेंट। एस्ट्रिंगमेंट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अलगाव। अगर कोई भी रिलेशन में था, स्पाउस या पार्टनर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलगाव हो जाता है, एक दूसरे से अलग होने को हम एस्ट्रिंगमेंट कहते हैं। सिनोनिम्स होंगे एलिनेशन, सेपरेशन, सेसिज्म एंड एंटागोनिज्म। एंटोनियम्स होंगे रिकन्सिलेशन, कनेक्शन, मैरिज एंड यूनियन। एग्जाम्पल होगा, दे फाइनली केम टुगेदर आफ्टर द ईयर्स ऑफ एस्ट्रंगमेंट। ठीक, देखिए स्ट्रेंज फील होता है, एस्ट्रंगमेंट हो जाते हैं। तो कैसा फील होता है जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं दो लोग, काफ़ी स्ट्रेंज फील होता है, तो आप स्ट्रेंज से एस्ट्रंगमेंट को लर्न कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स। आशा करती हूँ कि आपको लर्न हो गए होंगे।
थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।